आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज से जो हम लोग सेशन शुरू करने वाले हैं, ये वो सेशन है जो कि रेलवे में आने वाले, बल्कि ये कहा जाए कि बार बार आने वाले प्रश्नों को लेकर बच्चों में उत्सुकता भी होती है कि कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं, और एक डर भी होता है कि अगर ऐसे प्रश्न बार बार आ रहे हैं तो क्या हम उन प्रश्नों को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सेशन मैंने इसीलिए शुरू किया है कि मैं उन प्रश्नों से आपको रूबरू कराऊं, दिखाऊं, समझाऊं कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि लगभग आप ये देखिएगा रेलवे में पिछले 10 वर्षों से हर बार, चाहे वो एग्जाम एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो या कोई भी रेलवे एग्जाम हो, एक्स वाई जेड पूछे ही जा रहे हैं। तो इसी प्रकार के सेशन में मैं आज आपको त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे सवालों से रूबरू कराने जा रहा हूं जिनका आना ही आना तय है 100%। तो चलिए आपका पहला सवाल मैं दिखाता हूं आपके सामने। ये देखिए आपका पहला सवाल है, आपने भी देखा होगा कि ऐसे प्रश्न बहुतायतता से आते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है, एक बार बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप ये समझ पाओगे कि ऐसे प्रश्न, जब आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो बहुत ज्यादा 5 सेकंड लगेंगे आपको इन प्रश्नों को करने में, इससे ज्यादा समय आपको लगने नहीं वाला है, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, यानी कि आप ये कह सकते हो योगांतर निष्पत्ति, इसको हिंदी में कहते हैं योगांतर निष्पत्ति। इसका मतलब क्या होता है, ये अप्लाई कैसे होता है, जरा गौर से समझिएगा। मैं बोल रहा हूं कि अपने पास पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक फ्रैक्शन है, यानी कि पी बटे क्यू लिखा है, पी बटे क्यू। अब अगर मुझे इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो को अप्लाई करना है तो कैसे करना है, इसको आप समझ लें। इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है कि जो अंश में लिखी हुई वैल्यू होती है उसको आप अंश और हर दोनों में लिखिए, यानी जो पी लिखा है पी को दोनों तरफ लिख लेते हैं पी अपॉन पी, और जो हर में लिखी हुई वैल्यू होती है उसको एक बार आप अंश में जोड़कर लिखेंगे तो पी प्लस क्यू हो जाएगा, और दूसरी बार हर में घटाकर लिखेंगे तो पी माइनस क्यू हो जाएगा। यानी कि पी अपॉन क्यू का जो कंपोनेंडो डिविडेंडो फॉर्म होगी वो क्या होगी, पी प्लस क्यू और बटे में पी माइनस क्यू। ऐसे ही एक और आपको समझाता हूं कि जैसे अगर एक्स अपॉन वाई लिखा है तो इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो फॉर्म क्या होगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अच्छा, सबसे अच्छी बात यहां पर यह होती है कि अगर आपने पी अपॉन क्यू का कंपोनेंडो फॉर्म लिखा, डिविडेंडो फॉर्म लिखा, और एक्स अपॉन वाई का कंपोनेंडो डिविडेंडो फॉर्म लिखा, तो ये जो फॉर्मेट आया है इसमें अगर आप फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो आप वापस इसमें ही आ जाएंगे। कैसे, जरा समझिएगा। अगर मैं इस वाले फॉर्म में कंपोनेंडो डिविडेंडो फिर से अप्लाई करता हूं तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, नीचे भी क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। अंश में लिखी हुई वैल्यू को मैंने अंश और हर दोनों में लिख दिया, अब क्या करूंगा, जो हर में लिखी हुई वैल्यू थी उसको अंश में जोड़ रहा हूं एक बार, तो एक्स प्लस वाई को इसमें मैंने जोड़ा, और यहां लिखी हुई वैल्यू को हर में यहां पर घटा लेंगे तो एक्स प्लस वाई यहां पर घट जाएगा। बात समझिएगा बहुत ध्यान से, बड़े प्यार से, चीजें आपको स्पष्टता के साथ क्लियर होती चलेंगी। एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं, ये माइनस का है वैल्यू, ठीक है, एक्स माइनस वाई है, ठीक है। अब देखिए इस वाई से इस वाई का काम खत्म हो गया तो ऊपर क्या बचा, टू एक्स, और देखिए यहां पर जब माइनस अंदर जाएगा तो इसको ये खत्म कर देगा और यहां पर आ जाएगा टू वाई, तो 2 से 2 भी खत्म हो गया, आपके पास फिर से क्या आ गया, x अपॉन वाई। मेरे कहने का मतलब आप समझ पाए होंगे, ये बात आई कि अगर इसकी फॉर्मेट में मैं फिर से CND यानी कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूंगा तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, x अपॉन वाई, यस और नो। अब आप अगर इस सवाल को ध्यान से देखें तो आप ये देख पा रहे होंगे कि साइन थीटा ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है, एक बार ऊपर इसमें कॉस थीटा जुड़ा हुआ है, नीचे कॉस थीटा घटा हुआ है, तो इसका मतलब ये फॉर्मेट पहले कुछ ऐसा रहा होगा, बाद में इस फॉर्मेट में आया। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि इसका फॉर्मेट क्या होगा तो आप कहोगे सर ये ऊपर साइन थीटा रहा होगा और नीचे कॉस थीटा रहा होगा और ये बराबर था 7 के,
यस और नो। अच्छा, आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? टेन थीटा की। यानी अगर मैं इसमें फिर से सी एन डी अप्लाई करूंगा तो मेरे पास फिर से साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ जाएगा। तो अगर आप लेफ्ट हैंड पर सी एन डी यानी कि कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर रहे हैं तो राइट हैंड पे भी करिएगा। तो ये 7/1 लिखा है, तो ऊपर एक जुड़ेगा और नीचे एक घटेगा। 7 दोनों तरफ लिखा जाएगा, 7/7 ऊपर को एक जोड़ेंगे और नीचे में एक घटाएंगे। ये क्या बन गया? ये 10 थीटा बन गया। और यहाँ पर क्या हो गया? 8/6, जिसका मतलब होता है 4/3। तो आपका अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर था इस प्रश्नों में, तो आप देखिए सवाल का उत्तर देने में आपको 5 सेकंड से ज़्यादा लगने नहीं वाला है। तो 4/3 कहाँ लिखा है? सर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर है? चलिए चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो देखिए ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा sec थीटा अपॉन tan थीटा। क्या बन जाएगा? sec थीटा अपॉन में tan थीटा। और इधर क्या बन जाएगा? 5 में 3 जुड़ेगा, 8 हो जाएगा। 5 में 3 घटेगा, 2 रहेगा, ये बनेगा 4। मान हमसे पूछा था sin थीटा का, sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। और tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा। sin थीटा अपॉन में cos थीटा और इक्वल में अपने पास 4 था। अब आप देखिएगा cos थीटा से cos थीटा खत्म हो गया, ये sin थीटा 1/sin थीटा आएगा। तो अगर 1/sin थीटा की वैल्यू 4 है, तो सिर्फ अगर sin थीटा की वैल्यू लिखनी होगी तो सिर्फ sin थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1/4। जैसे ही कुछ प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इन प्रश्नों में आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपने इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी देखा होगा, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, चीजों को आप देखेंगे समझ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है, ऐसे प्रश्नों में जो कॉन्सेप्ट लगता है वो आपको समझना है। जैसे आपने 3 सर्व समीकाएं पढ़ी होंगी त्रिकोणमिति में, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 होती है, एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू भी 1 होती है। ये 3 सर्व समीकाएं आपने त्रिकोणमिति में पढ़ी। अब आप ध्यान से समझो कि आपको दिया है कॉट की वैल्यू और पूछ रहा है कॉसेक की वैल्यू, तो हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएंगे। क्या कहने का मतलब है? कि सर अगर कॉस दिया होगा तो कॉट पूछेगा, या फिर अगर कॉट दिया है तो कॉसेक पूछेगा, या फिर अगर सेक दिया है तो टेन पूछेगा, और अगर टेन दिया है तो फिर सेक पूछेगा, ऐसे प्रश्नों में। और दोनों ही स्थितियों में, चाहे sec 10 की फॉर्म हो, 10 sec की फॉर्म हो, या cosec cot की फॉर्म हो, या cot cosec की फॉर्म हो, दोनों ही चीजों में आंसर इसके बराबर बिल्कुल रहते हैं। कि अगर ये वैल्यू 4 है तो इसका मान भी 4 ही आएगा। आप आंख बंद करके उत्तर लगा सकते हो कि 4 आएगा। अब कैसे, ये समझिएगा। जैसे यहां पर है cot की पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो मैं यहां से अगर cot स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लूं तो अपने पास क्या बचने वाला है? यहां बचेगा cot स्क्वायर थीटा और यहां आएगा 1, बराबर में 4 है। अब आप ध्यान से देखिए और समझिए कि अगर मैं इस cot स्क्वायर थीटा को इक्वल के उस तरफ ले जाऊंगा तो ये 1+cot स्क्वायर थीटा होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? cosec स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो इसका मतलब इस वैल्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूँ? कोसेक स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया यहाँ पर, बराबर में 4 था। अब अगर मुझे सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखना है और मुझे यहाँ से निकालना है कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप ही बताइए, अगर मुझे सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये 1 इधर ले आना होगा, यानी कि मेरे पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा? मैंने लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए आपको क्या मिल रहा है? मिल रहा है आपको कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा
बराबर में चार मिला। और आप देखिए कि आपसे इसी की वैल्यू पूछी गई थी, यानी यही मान पूछा गया था कि कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो आपका कहना होगा कि सर जो वैल्यू यहाँ थी वही आएगी, यानी कि चार ही उत्तर होगा। क्लियर है? अगले सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा, प्रयास करते हैं अच्छे से बताने का। जैसे देखिए, अब sec और tan में बात आ गई कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 8 है। आपसे पूछ रहा है sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये सवाल भी बहुत अच्छा है और आंसर भी इसका बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको ये मालूम है कि मैं अगर ये लिखूं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये जो फॉर्म यहां से यहां तक लिखा है अगर आप देखिए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म लिखी है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पद में लिखा है। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो इस बात को कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, sec थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या लिख सकता हूं, sec थीटा माइनस tan थीटा लिख सकता हूं, बोले हाँ सर लिख सकते हैं, बराबर में 1, यस और नो। अच्छा, अब देखिए कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 8 दी है, यानी कि ये मान अगर 8 दिया है गुणे में, मुझे इसका वैल्यू चाहिए, मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं x और बराबर में 1 है, तो x का मान क्या आ जाएगा, 1/8। और अगर मैं 1/8 को दशमलव में तोड़ूंगा तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 0.125। या आप डायरेक्ट इस चीज को याद रखिए, इतना लिखने से अच्छा है कि अगर आपको sec थीटा प्लस tan थीटा का कुछ मान दिया है और आपसे sec थीटा माइनस tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा। इसका मान अगर k दिया है और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी इसका जस्ट रिवर्स होगी। अगर ये k है तो ये 1/k होगा, ये k है तो ये कितना हो जाएगा, 1/k। या अगर इसका कुछ मान दिया होता, सपोज करिए p, और इसका पूछा होता तो ये हो जाता 1/p, क्या हो जाता, 1/p। तो अब यही बात यहां पर अप्लाई होगी कि अगर ये 8 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 1/8। सीधे सीधे, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, और 1/8 को अगर दशमलव में लिखेंगे तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्लियर है ना? मेरी बात को समझ पाए हैं? वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको त्रिकोणमिति में प्रश्नों की जो फ्रीक्वेंसी के आधार पर मैं ये प्रश्न आपके सामने लाया हूं, क्योंकि ये रेलवे के हर एग्जाम में आने तय होते हैं, इसलिए इस सेशन को मैंने शुरू किया आप लोगों के लिए कि मैं आपकी थोड़ी सी और मदद कर पाऊं। tan थीटा 5/6 है और ये इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो आप देखो, आप tan थीटा को क्या लिख सकते हो, sin थीटा / cos थीटा, और ये मान है 5/6। इसका मतलब है कि sin थीटा का मान 5 है और cos थीटा जो है वो 6 के रेशियो में है। बस आपको वैल्यू रखनी है, तो 12/5 = 60 माइनस 6/5 = 30 और नीचे क्या आ जाएगा, 12/5 = 60 प्लस 6/5 = 30, तो ऊपर क्या बचेगा, 30 और नीचे क्या आ जाएगा, 90, और ये मान आपके पास 1/3 की रूप में उत्तर देगा। तो 1/3 कहां पर लिखा है सर, ऑप्शन नंबर बी लिखा है। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं ताकि दिखाई दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो आप ये कह सकते हो ये तभी हो सकता है जब साइन थीटा का मान, जब साइन थीटा किसके बराबर हो, कॉस थीटा के, और साइन थीटा और कॉस थीटा तभी बराबर हो सकते हैं जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री। यानी अपने पास थीटा का मान 45 डिग्री आ गया, मुझे मान रखना है, तो 45 डिग्री साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और पावर लिखनी है 4, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2,
फिर उसका स्क्वायर एक बटे चार, तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख लेता हूं एक बटे चार। सेम प्रोसेस इसमें करोगे तो ये भी एक बटे चार ही आएगा। इधर आता है टेन की पावर फोर थीटा, थीटा अगर टेन में 45 रखेंगे तो मान वन आएगा, और वन की पावर फोर तो वन ही रहेगा। एक बटे चार, एक बटे चार, दो बटे चार, दो बटे चार मतलब एक बटे दो प्लस एक का मान हो जाएगा, तो ये उत्तर आपकी तरफ बढ़ेगा तीन बटे दो। कितना आंसर आएगा? तीन बटे दो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ एक बार, इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझ के चलिएगा, क्योंकि अब हो सकता है कई बार ये सारे प्रश्न विथ डिजिट यानी कि सेम डिजिट के साथ आपके सामने आपके पेपर में 17 अगस्त से जो है उसमें आपको मिल जाए, सेम डिजिट के साथ और सेम डेटा के साथ, सेम डिजिट और सेम डेटा के साथ मिल जाए। तो मेरा आपसे सिर्फ कहना इतना सा है कि मैं एक बार ये मान सकता हूँ कि आपको सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन दोबारा देखने में डिजिट और डेटा को अगर देख लोगे तो पेपर में आप डायरेक्ट आंसर लगाओगे तो समय बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस सवाल पर आते हैं, होप सो दिख रहा है, ठीक है, इसको बड़ा करने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है। देखिए साइन स्क्वायर वन, साइन स्क्वायर थ्री, साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 87 और ये आ रहा है साइन स्क्वायर 89 तक का मान कितना है? बहुत ध्यान से समझने की बात है, ऐसे प्रश्नों में जल्दबाजी में गलती होती है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं देखिएगा, मैं इसमें से सिर्फ कुछ पद लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने ले लिया कि साइन स्क्वायर वन प्लस साइन स्क्वायर थ्री, सिर्फ कुछ पद ले लेता हूं, और तीसरा पद ले लिया मैंने साइन स्क्वायर 87 और लास्ट में ले लिया साइन स्क्वायर 89। सिर्फ ये चार पद लिए और मैं इससे आपको समझा दूंगा। देखिए आपको ये बात जाननी और समझनी दोनों चाहिए कि अगर साइन में साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की वैल्यू अगर आपके पास समझ में आ जाए तो आपका काम समझ में आ जाएगा। जब दो त्रिकोणमिति रेशियो एक जैसे, ध्यान से सुनिएगा, जब दो एक जैसे त्रिकोणमिति रेशियो चाहे वो वर्ग में हो या ना हो अगर लिखे दिखाई दें, वो भी धन में यानी कि प्लस में, और उनके कोणों का योग यानी कि थीटा वन प्लस थीटा टू ये अगर 90 डिग्री हो तो इन दोनों का मान जो है ये वन के बराबर होता है। ये वन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? वन। तो अब अगर मैं आपको समझाऊं तो आप देखिए कि साइन स्क्वायर वन और साइन स्क्वायर 89, ये 89 और ये वन मिलकर 90 हो जाएगा, यानी ये वन बना लेगा। हाँ सर, बना लेगा। साइन स्क्वायर थ्री और साइन स्क्वायर 87 में ये 87 ये थ्री ये मिलकर वन बना देगा, क्योंकि कोणों का जो सम है वो 90 है, ये भी वन बना देगा। तो केवल अगर ये सवाल होता अपने पास तो हमारा उत्तर क्या आ जाता? दो। अच्छा सर, इससे बताना क्या चाह रहे हैं? इससे मैं बताना ये चाह रहा हूँ बच्चे कि अगर चार पद हैं दो दो के कैप में तो उसका आंसर कितना बन रहा है? दो। अगर ये छह पद होते तो आंसर कितना बनता? तीन। अगर ये पांच पद होते तो आंसर कितना बनता? ये पांचवें पद पर निर्भर करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब पदों की संख्या इवन है तो आंसर आपको जस्ट उसका आधा मिल रहा है। जब पदों की संख्या n जो है ना, नंबर ऑफ टर्म जो है वो इवन है, तो जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? पदों की संख्या का आधा यानी कि n बाई टू। करेक्ट है? बोले यस सर। अब इसी चीज को आप समझने का प्रयास करना, ये भाई मैं बाद में भी लिख दूंगा, इसी चीज को यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि साइन स्क्वायर वन, साइन स्क्वायर थ्री, साइन स्क्वायर फाइव, 85, 87 और 90 तक टोटल कितने टर्म होंगे, कितने पद होंगे? मैं आपसे सीधे सीधे पूछता हूं कि एक से लेकर अगर आपके पास 89 तक संख्याएं लिखी हैं जो कि दो दो के गैप में, एक, तीन, पांच, सात, तो एक से लेकर 89 तक अगर ये संख्याएं लिखी हैं तो कितनी संख्याएं होंगी, विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या कितनी होगी, आप ये बताइए। ये आपको तरीका पता है ना कि संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या कैसे निकाली जाती है, ये चीज आपको पता होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, इसमें ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए। हाँ या ना? ठीक है, तो आप देखेंगे, आप कहेंगे सर यहां से यहां तक अगर बात करूं ना तो मेरे पास 45 संख्याएं लिखी हैं। कितनी संख्याएं लिखी है? 45।
अब समझने की बात यह है भैया कि सर आपने अभी बताया था कि अगर n जो है ना वो इवन होता है तो जो आंसर बनता है वो n बाई टू यानी उसका ठीक आधा बन जाता है, लेकिन सर यहां तो n 45 है तो इसका उत्तर क्या बनेगा? तो इसको आप कैसे लिख सकते हो ये ध्यान से देखो, आप 45 को 44 प्लस 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो। और ये जो 1 होगा ना ये कौन सा नंबर होगा, कौन सा पद होगा उसको समझना। जब 1, 3, 5, 7 ऐसे जा रहा है तो बीच में एक पद आपके पास आ रहा होगा, उसका नाम होगा साइन स्क्वायर 45। बहुत ध्यान से समझिएगा, साइन स्क्वायर 45। तो जिसको एक को मैंने अलग किया है ना, ये एक अलग होने के बाद क्या है आपको समझ में आया होगा कि ये सर साइन स्क्वायर 45 लिखा था। अब देखो अगर ये 44 बन गया तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 22, जैसा कि ये बताया आपको। और बात यहां पर रही कि साइन स्क्वायर 45 को भी सॉल्व कर लेंगे, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर करने पर 1/2, तो आपका जो उत्तर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 22 सही 1/2, ये आपका आंसर बन जाएगा और ऑप्शन नंबर पहले को आप टिक कर देंगे। तो इतनी देर ये जो मैंने बताया वो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या था इसको समझने के लिए आपको बताया। सवाल बहुत हल्का है, बहुत सरल है, लेकिन एक बार जब कंफ्यूजन होती है ना तो बच्चों में आंसर कभी कोई 22.5 देता है, कोई 23.5 देता है, तो ये कंफ्यूजन एग्जाम में ना हो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये प्रश्न आ गया, देखिए वहां पर गैप कितने कितने का दिख रहा था आपको, बोले सर वहां पर जो गैप हमको दिख रहा था ना वो हमको 2-2 का था, और अगर मैं यहाँ पे गैप की बात करूं तो यहाँ पर जो गैप है सर 5-5 का है, उत्तर क्या बनेगा सही से बताना है। साइन स्क्वायर 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके 85 तक जाना है। मैं आपसे सीधे से ये पूछता हूँ कि 85 से आप 5 को घटाइए आपके पास 80 बचेगा क्या, बोले हाँ सर बचेगा। और अंतर कितने कितने का चल रहा है, तो आप बोलोगे सर 5-5 का, 80/5 क्या होगा, बोले 80/5 तो 16 होगा। यानी संख्याओं की संख्या लगभग 16 हो सकती है। अभी भी अगर आपके मन में इस बात का संदेह है तो देख लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, फिर उसके बाद 65, 70, 75, 80, 85, 12 और 5, 17 संख्याएं हैं। बीच में कितनी संख्याएं आ गई, 17। तो आप कहोगे सर टोटल नंबर ऑफ एन जो आया वो 17 आया। आप कहोगे सर फिर से ये ऑड आ गया, आपने इवन के लिए बताया। ऐसे में हर वक्त जब आंसर इस तरीके का, क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो नंबर ऑफ जो नंबर्स है ना, संख्याओं की संख्या है या जो पदों की संख्या है, वो ऑड ही आती है, लेकिन इसको इवन बनाना पड़ता है। जैसे इसको मैं लिख सकता हूं 16 प्लस 1, बोले सर इसमें एक कौन सी संख्या होगी, देखो 5, 10, 15 में जब आगे बढ़ते रहोगे तो बीच में कहीं साइन स्क्वायर 45 फिर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 45 आएगा ही आएगा, कंफर्म है। तो मैंने इसको लिखा 16 प्लस 1, तो 16 अगर n आप देख रहे हो ना कि ये 16 जो है ना ये क्या है, इवन है, इसका आधा तो पहले लिख ही लो 8, बोले यस सर। और ये जो आखिरी संख्या बच रही थी जो एक अलग रही थी वो कौन सी थी, साइन स्क्वायर 45, तो जिसका मान होता है 1/2, उत्तर किस फॉर्मेट में जाएगा सर, 8 सही 1/2 की फॉर्म में जाएगा। कहाँ लिखा है सर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। बात समझ में आई, यानी जो मेन काम है ना आपको सिर्फ ये देखना है कि नंबर्स ऑफ नंबर कितने हैं, नंबर्स ऑफ नंबर कितने हैं, यानी कि संख्याओं की संख्या कितनी बन रही है, बस। जैसे ही आपको ये पता चल गया हाफ करना और बीच में जो भी नंबर जो भी टर्म आ रहा है उसकी वैल्यू लिख के जोड़ दीजिए, सवाल फिनिश। मेरी बात समझ पाए?